झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। आज राज्यपाल फैसला सुना सकते हैं। चुनाव आयोग ने कल ही राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी थी। अटकलें ये हैं कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में दोषी पाया। अगर ऐसा होता है तो झारखंड में सियासी भूचाल आ जाएगा। हेमंत सोरेन लगातार पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। आज डेढ़ घंटे बाद महागठबंधन की बैठक होनी है। नजर इस पर ही रहने वाली है। तो झारखंड के सीएम की कुर्सी जो है वो खतरे पर नजर आ रही है। राज्यपाल कर सकते हैं सीएम सोरेन को लेकर फैसला, और उसको लेकर आगे अंदर पार्टी और सरकार में मंथन चलता हुआ नजर आ रहा है। रांची में आज महागठबंधन की दो घंटे बाद यानी 11:30 बजे बैठक होनी है। सीएम आवास पर 11:30 बजे होने वाली है ये बैठक। महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती है जब हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़े तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। इसी पर आम सहमति अभी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है 11:30 बजे, उस पर भी नजर रहेगी। तो हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती जो है वो क्या शुरू हो चुकी है, क्या राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा।